दोस्तों कार और बाइक को फोम वॉश करने के लिए प्रेशर वॉशर मशीन के लिए बहुत सारे लोग फोम कैनन को तो खरीदते हैं, लेकिन हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता बहुत महंगा फोम कैनन को खरीदना। और चीप प्राइस में जो सारे फोम कैनन मिलता है उसका परफॉर्मेंस या फिर फोम का थिकनेस की अगर बात करें तो उसमें चाहे कितना भी बढ़िया क्वालिटी का शैम्पू क्यों ना डाले, फोम का थिकनेस परफॉर्मेंस आपको महंगा फोम कैनन जैसा कभी भी नहीं मिलेगा। तो पिछले कुछ महीने पहले मैंने एक फोम कैनन का वीडियो बनाया था, VMTC का ये वाला फोम लेंस जो कि प्लास्टिक का है और रेस्क्यू टेक और बॉस मशीन के साथ कंफर्टेबल है, तो इसका प्राइस जो है 1000 रुपये से भी नीचे है और उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन महंगा फोम कैनन जैसा तो डेफिनेटली नहीं है। और जैसे जैसे इसका एज बढ़ता जा रहा है इसका परफॉर्मेंस भी घटता जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे आप किसी भी नॉर्मल चीप प्राइस में मिलने वाला फोम कैनन को भी एक प्रोफेशनल फोम कैनन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब फोम का जो थिकनेस होगा काफी हद तक महंगा वाला फोम कैनन जैसा ही मिलेगा आपको। तो कृपया वीडियो के साथ बने रहे, चैनल में नया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबाने के साथ साथ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पर इस फोम कैनन पर हम सबसे पहले शैम्पू को डालेंगे, तो चेक करने के लिए यहां पर दिखा रहे हैं, तो सिंपली जो है यहां पर 50 ml शैम्पू को हम इसमें डालेंगे। तो यहां पर 50 ml का ये जो बीकर है, तो इस बीकर के शैम्पू को सबसे पहले डाल देते हैं इस फोम कैनन पर। ये जो है 700 ml का फोम कैनन है और बाकी यहां पर सिर्फ 100 ml के करीब पानी मिलाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, आपको चेक करके दिखाने के लिए। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं, सबसे पहले रेगुलेटर को मैक्सिमम लेवल पर कर देते हैं। तो ये रहा दोस्तों रिजल्ट, जो कि एक नॉर्मल चीप प्राइस में मिलने वाला फोम कैनन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए नीचे की तरफ बह रहा है। दोस्तों सबसे पहले फोम कैनन के बॉटल को हम साइड में रखते हैं, इस पाइप को भी निकाल देते हैं। अभी ये मेन पार्ट या फिर मेन मैकेनिज्म जो है इसको हम रिमूव करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे देख सकते हैं एक स्पॉन्ज है हमारे पास, एक प्लास या फिर प्लायर है, एक ट्वीज़र है जिसको बंगाली में चिमटे भी बोलते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर है और एक कैंची है, और थोड़ा सा मग में हमने थोड़ा सा पानी लिया है। अभी इसको रिमूव करने का जो तरीका है, सबसे पहले यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर का जरूरत होगा। तो यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये वाला VMTC फोम कैनन अगर आप यूज़ करते हैं, फोम कैनन स्टक हो गए, मेस फिल्टर वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ पर जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ सेम प्रोसीड्योर वहाँ पर भी होगा। तो दो साइड में दो क्लिप टाइप दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हल्के से प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये टूट जाएगा, प्लास्टिक का है ये। और इस साइड में भी सेम तरीके से ऐसे प्रेस कर देना है। अभी देखिए ये निकल गया। अभी इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे इस प्लायर का, हल्के से बस प्लायर से पकड़ना है, इसको इस तरीके से देखिए ये निकल जाएगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ब्रास पार्ट है, तो इसको भी निकाल देते हैं, इसको पानी में डाल देते हैं। अभी ये वाला जो पार्ट है इसको भी इस तरीके से प्लायर की मदद से देखिए ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये निकल जाएगा, तो इसको थोड़ा सा वॉश कर लेते। तो इसके अंदर में है दोस्तों मेस फिल्टर, छोटा सा ऐसे स्टिक की मदद से जो पीछे से थोड़ा सा प्रेस करते हैं, देखिए बाहर में निकल गए। चीप प्राइस में मिलने वाला फोम कैनन का परफॉर्मेंस, फोम का थिकनेस महंगा वाला प्रोफेशनल फोम कैनन जैसा ना होने का सबसे बड़ा रीजन जो है यहां पर इसके अंदर में देखिए सिंगल एक मेस फिल्टर डाला हुआ था, जो कि साइज में भी काफी छोटा है। और नॉर्मली महंगा वाला फोम कैनन में दो मेस फिल्टर और एक स्पॉन्ज फिल्टर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहां पर सबसे पहले जो इस मेस फिल्टर को इसके अंदर में डाल देते, अभी यहां से एक छोटा सा स्पॉन्ज का टुकड़ा को काट लेंगे, एकदम छोटा सा, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। इस स्पॉन्ज को इसके अंदर में डालना है एकदम नीचे की तरफ, देखिए एकदम नीचे में चला गया, कितना दिख रहा है आपको कैमरा में मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा सा हो सके तो फ्लैश लाइट चला के भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए नीचे में चला गया, देखिए दोस्तों मेस फिल्टर का स्पेस बिल्कुल भी नहीं ले रहा है स्पॉन्ज जो है, अदरवाइज मेस फिल्टर के जगह पर स्पॉन्ज थोड़ा सा भी रह जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पर लीकेज वगैरह हो सकता है, क्योंकि ये वाला ब्रास मटेरियल वहाँ पर प्रॉपरली फिट नहीं होगा। तो अभी जो है मेस फिल्टर जो है इसको लगा देंगे। अभी ये जो मेस फिल्टर है दोस्तों इसको अभी डाल देते हैं इसके अंदर में, अभी थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, हाँ देखिए एकदम अंदर में चला गया। वापस से जो है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बस प्रेस कर दे रहा हूँ ताकि अंदर में नीचे की तरफ चला जाए एकदम। वापस से ये वाला जो ब्रास पार्ट है दोस्तों
इसको लगा देते हैं यहाँ पर, रबर नीचे की तरफ रहेगा, मतलब वो रिंग जो है रबर। अभी इसको भी थोड़ा सा प्लायर की मदद से ऐसे घुमा देते हैं, ये प्रॉपरली अटैच हो चुका है यहाँ पर। अभी वापस से जो यहाँ पर इसको लगा देते हैं प्लायर की मदद से। तो इन सारे चीज़ को थोड़ा सा धीरे करना है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो प्लास्टिक का मटेरियल है टूट सकता है। तो अभी वापस से इसको भी लगा देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा प्लायर की मदद से टाइट कर देंगे, प्रॉपरली अटैच हो गया। अभी ये वाला पार्ट को यहाँ पर लगाएंगे कि दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर जो दो थ्रेड है इसके पूरा सीधा रखना है, ये दो क्लिप टाइप जो है इसको ऐसे प्रेस कर देंगे देखिए, और उसके बाद यहाँ पर हल्के से प्रेस करेंगे देखिए, और यहाँ पर थोड़ा सा हल्के से प्रेस करेंगे, बस हो गया। तो अभी फोम कैनन को हमने तैयार कर लिया है, अभी वहाँ से पाइप को लगा देते हैं। तो अभी ये वाला फोम कैनन कितना प्रोफेशनल फोम कैनन जैसा परफॉर्मेंस या फिर थिक फोम प्रोड्यूस करता है उसको टेस्ट करके देखना बाकी है। अभी ये वाला जो सैम्प है इसको सबसे पहले पूरा निकाल देते हैं, वापस से सेम क्वांटिटी और सेम मात्रा में जो है पानी मिलाएंगे। हमारे पास 50 ml का एक बीकर है, डाल देते हैं इसको, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं सैम्प और पानी को। फटाफट से फोम स्प्रे करके देखते हैं कितना प्रोफेशनल फोम कैनन जैसा परफॉर्मेंस आता है। दोस्तों एक बार देख लीजिए, आपको लगता है ये 1000 रुपये का फोम कैनन से बनाया गया फोम है, पूरी तरीके से चिपक गया है कार के साथ। देखिए दोस्तों अमेजिंग, पूरी तरीके से चिपक गया है टायर के साथ। देखिए दोस्तों देखिए क्या रिजल्ट निकल रहा है दोस्तों, पूरा एक प्रोफेशनल फोम कैनन जैसा फोम यहां पर तैयार हुआ है। तो दोस्तों अभी आप जैसे देख सकते हैं पहले के साथ अभी फोमिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है, सेम फोम कैनन पर सेम मात्रा में सैंप और पानी यूज करने पर भी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके पास अगर ऐसा सस्ता प्राइस का नॉर्मल फोम कैनन है तो इसी प्रोसीड्योर में आप उसको प्रोफेशनल फोम कैनन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, दूसरा फोम कैनन हुआ तो उसको खोलने का तरीका जो है अलग हो सकता है। प्रोफेशनल फोम कैनन जो मिलता है, जैसे मैं पर्सनली यूज करता हूँ MJJC फोम कैनन प्रो को, यहाँ पर सेम लगभग उसी जैसा ही फोम प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम है वो कहना मेरे ख्याल से गलत होगा। तो आज के इस मेहनत के लिए कृपया वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको ये वाला ट्रिक्स पता चले। YouTube में आज तक शायद ये वाला चीज किसने भी नहीं दिखाया। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।